अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश भर में केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ सड़क पर संग्राम देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच खींचतान साफ दिख रही है। आप कार्यकर्ता मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं तो वहीं कई जगह आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। कुछ ऐसा ही नज़ारा शुक्रवार दोपहर राजस्थान की राजधानी जयपुर में देखने को मिला, जब आप कार्यकर्ता जयपुर में बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने बीजेपी कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक जयपुर में बीजेपी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन उस वक्त हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने जबरन बीजेपी ऑफिस में घुसने का प्रयास किया। सिरोही के निजी गार्डन में लोकसभा पर भाजपा प्रत्याशी लूमाराम चौधरी के समर्थन में शुक्रवार को होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। समारोह में लोकसभा संयोजक नारायण सिंह देओल, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश कोठारी व पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण लाल पुरोहित और जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित और राजसमंद प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान उपस्थित रहे। राजनगर में सरकारी कार्यालय में अब कब तक चलेगा भ्रष्टाचार का खुला खेल। कच्ची बस्ती का जारी भूखंड का पट्टा जो कि आगामी 3 वर्षों तक नहीं हो सकता बेचैन। ऐसे में तहसीलदार ने बिना जांच किए ही उक्त भूखंड की रजिस्ट्री करवा दी। राजनगर में नगरपालिका द्वारा जारी किए गए पट्टों में बकायदा शर्त है कि पट्टा जारी किए मकान को बिना NOC बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन शहर भर में तहसीलदार कार्यालय से मिली भगत कर विभिन्न मकानों को फर्जी NOC लगाकर बेचा व खरीदा जा रहा है। कोलायत में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चल रही नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ओम प्रकाश सुथार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाना हंदा के नोखड़ा नाके पर एक आयशर ट्रक को रोककर तलाशी ली तो कंबलों के बीच से 239 पेटियां अवैध पंजाब निर्मित दारू बरामद हुई। पुलिस ने ट्रक चालक अमृतसर पंजाब निवासी प्रगट सिंह को गिरफ्तार किया। ट्रक में अलग अलग ब्रांड की पंजाब निर्मित दारू बरामद हुई। मैं ओम प्रकाश सुथार, थाना अधिकारी पुलिस थाना हद्दा, जिला बीकानेर, थाना जटेला का क्षेत्र नोकड़ा में नाका स्थापित है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए नाकाबंदी जारी है। आज गश्त के दौरान मुखबिर से इतला मिली कि पंजाब नंबर का केंटर PB05AL4154 जिसमें सफेद कतरन गट्टे में कार्टून टाइप भरे हुए हैं जिसके बीच में शराब, अवैध शराब पंजाब निर्मित लेके जा रहे हैं। तो इतला की तस्ती के लिए नोकड़ा नाके से के पास टोंकला में तिराए पर नाकाबंदी शुरू की गई। नाकाबंदी के दौरान ट्रक को रुकवा करके चेक किया तो ट्रक का चालक प्रगट सिंह सनोप दिलबाग सिंह निवासी भिंडी से दामरसर पंजाब का और ट्रक के अंदर 239 पेटियां। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान।